अस्सलामु अलैकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, इंडियन मास्टर शेफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन खिचड़ी पुलाव। तो आइए देखते हैं मटन का कीमा, मूंग की दाल, दही, खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, बटाटे, कोथमीर, धनिया पाउडर, नमक, प्याज और टमाटर। अभी हम इस मटन कीमे को बॉईल करते हैं। हम इसमें बॉईल करने के लिए लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, थोड़ी सी प्याज, हल्दी और नमक, और ये इस तुअर की दाल को हम कच्चा पक्का गलाएंगे एक भाप में। इसमें पानी ज़्यादा ना ले, पानी लिमिटेड ले, कच्ची पक्की हम इसको गलाएंगे हल्दी और नमक डालकर और थोड़ा सा तेल। यह टॉप, ये देखिए हम दाल को किस तरह एक भाप में गलाएंगे। दाल को कुकर में ना डालें, याद से दाल को, तुअर की दाल को कुकर में ना डालें। इसको कम पानी में, जितने पानी में हमने भिगोया था उसी पानी में हम इसमें इसको एक दो आंच में निकाल देंगे। हमने डाला है हल्दी और अब हम डालेंगे नमक। नमक अपने हिसाब से ले लीजिए। हल्दी और नमक को मैश कर दिया है, अब हम इसे एक आंच पर होने देंगे। इस पर ढक्कन भी ना झाके, इसे कुकर में भी ना डाले। अब एक तरफ हम कीमे को बॉईल करेंगे, दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कीमे को हमें बॉईल करना है। कीमे को बॉईल करने के लिए हम इसमें अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल डालकर हम थोड़ी कुछ प्याज डालेंगे उसमें। इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा लाल होने देंगे। प्याज को हम अभी थोड़ा लाल होने देते हैं। कच्ची प्याज कीमे में स्मेल देती है। एक तरफ हमने दाल को रखा है, देख लीजिए हमने पानी भी कम लिया है इसमें। इसको इसे चलाते रहना है। अगर आपसे ज्यादा पानी हो जाए तो आप उस पानी को कम भी कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही सही मेजर से हमें पानी ले लेना है। प्याज को अच्छी तरह लाल कर लें। प्याज लाल, हमने प्याज को लाल किया, अब हम उसमें अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट मिलाएंगे, थोड़ी हल्दी मिलाएंगे और थोड़ा नमक अपने हिसाब से ले लेंगे। ये हमने उसमें डाला है नमक। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से कीमे में शेक करेंगे। कीमे का पानी सूखने तक हमें इसको शेक करना है। देखिए पानी, कीमे का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। हमने कीमे को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है अदरक लहसुन हल्दी नमक के पेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हमने इसका पानी पूरी तरीके से सुखा दिया है। अब हम बड़ा टोप रखेंगे और अभी हम खिचड़ी पुलाव की देखते हैं दाल किस तरह से गल गई। वाओ, ये दाल देखिए, हमने जैसे आपसे कहा था कि एक भाप में गलाना है, कच्ची पक्की नहीं गलाना है। अगर पानी कम हो रहा है तो हम थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा सा लाइटली गर्म पानी करके हम डालेंगे, वरना पहले ही सही मेजर से हम ले लेंगे। ठीक है, देख लिया आपने, हमने चढ़ा लिया है टोप। अभी हम इसमें डालेंगे खड़े गर्म मसाले। हम डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, शक्कर फूल, बड़ी इलायची, थोड़ी काली मिरी, दो तीन लौंग। अभी हम ये गरम मसाले चावल के लिए यूज करेंगे। अभी हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तेल में गरम मसाला डाला था, खड़े गरम मसाले, अभी हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हम अच्छे तरीके से लाल करेंगे।
प्याज लाल होने के लिए हमें नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब प्याज लाल हो रही हो उस वक्त अगर हम नमक डालते हैं तो प्याज जल्दी लाल हो जाती है, प्याज की जो नमी होती है वो नमक से सूख जाती है और प्याज जल्दी लाल होती है। याद रखिए कभी भी हमें प्याज लाल करने में देर नहीं होगी। पुलाव बिरयानी इन सब के लिए तो प्याज ज़्यादा ही लगती है, बिरयानी के लिए तो खास तौर पर प्याज हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी होती है, इसीलिए हमें उसमें नमक डालना है। जब हम तेल में प्याज डालते हैं, प्याज में फिर हम नमक डालते हैं तो जल्दी जल्दी लाल होना शुरू हो जाती है। डालने की वजह से देखिए हमारी प्याज कितनी जल्दी जल्दी लाल हो रही है, इसलिए हमेशा प्याज लाल करते समय नमक डालिए और प्याज जल्द से जल्द लाल हो जाया करेगी। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, हमारे चैनल के अबाउट में ब्लॉगिंग की लिंक है जिसमें सभी रेसिपी रिटर्न में लिखी गई है, आप उसमें जाकर देखिए आपको इजीली सभी रेसिपीज की रिटर्न रेसिपीज आपको मिल जाएगी इजी। मैंने पुलाव के प्याज के लाल करने के साथ साथ एक तरफ चावल के लिए कुकर चढ़ा लिया है, थोड़ी सी प्याज खड़े गरम मसाले मैंने उसमें डाले हैं ताकि मैं अपने पुलाव के चावल को बघार कर बनाऊँ। ज़्यादातर आज के बच्चे जो खाना बनाते हैं उन्हें कुकर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कुकर में भी बनाती हूँ। हमारे घर में भी जो है चावलों के लिए कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे डेली के चावल हो। हमारी प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, अब हम इन प्याज में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त का मसाला, मटन मसाला, ये हमारे घर में बनता है, हम बाहर का मसाला नहीं खाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम इन मसालों को तैयार करते हैं, बाहर के आर्टिफिशियल मसाले नहीं बनाते हैं। बाहर के मसाले हम लाते भी नहीं हैं, हम घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें बनाएंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे हमने जो आपको कोथमीर कटी हुई बताई थी वो, उसमें भी हमने कोथमीर ली है और हरी मिर्ची हमने उसको भी पीस लिया है ताकि हमारा अच्छे से मसाला तैयार हो सके। दही को हमने मिक्सर में एक बार अच्छे से फेंट लिया है, दही को डायरेक्ट ना डालें, दही को मिक्सर की जार में एक बार एक राउंड घुमा लें ताकि क्या है कि दही की थिकनेस जो है वो मिक्सर चलाने से हमारी मेल्ट हो जाए। इस तरह से हम दही को करें तो काफ़ी अच्छा दिखता है, देखिए दही के थिक्के से नज़र नहीं आ रहे ना, तो ये उसमें खास बात होती है। थोड़ा सा जो है अभी इसमें पानी मिलाए ताकि इसे इस तरह से अच्छे से मिला ले। हमारे घर में सब खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, हम इस तरह से नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं, आप तक भी पहुंचेगी हर एक रेसिपी। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अभी इसको हम अच्छे से भूनने देंगे इस मसाले को ताकि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद हमने जो कीमा बॉईल किया था उस कीमे को हम उसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें सभी मसाले, अदरक लहसुन, कटी हुई कोथमीर मिर्ची, थोड़े से कटे हुए टमाटर हम इसमें मिलाएंगे। इन टमाटरों को जो हमने कट करके रखा है अब हम इसको डेकोरेशन, मतलब जब हम पुलाव को सजाएंगे दम पर रखेंगे तब इसको इन टमाटरों को सजाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको रखना है। हमने उस कीमे में, उस मसाले में कीमे को
ऐड किया था, अब हम कीमे को मसाले में अच्छी तरह मिला रहे हैं। हमने बॉईल तो किया था कीमे को, कीमे को कभी भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा बॉईल कर लें ताकि, ये तो जैसे मटन कीमा है, एक भाप में ही हम वो करते हैं। मेरा मेजर इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैंने बड़ा पतीला आप लोगों के ही ले लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम हो सके। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे अपने गोल कटे हुए आलू। आलूओं को इस तरह कट कर लेना है, आलूओं को हमें गोल शेप में कट करना है और इसको सजावट करनी है। मैंने लिए हैं दो आलू और आलूओं को इस तरह से मैंने कट किया है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आलूओं को इस तरह से गोल शेप में कट करना है और कीमे के मसाले के ऊपर, जो हमने कीमा मसाला रेडी किया है उसके ऊपर हमें आलूओं को बिछाना है इस तरह। अब हम उसमें जो हमने कच्ची पक्की दाल गलाई थी, हमने आपको बताया था कि ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, इस तरह से अभी हमें उस गली हुई कच्ची पक्की तुवर की दाल को दम पर रखना है आलूओं के ऊपर। ये आलू कच्चे हैं, आलू को ना मैंने बॉईल किया है ना मैंने फ्राई किया है, ये आलू बिल्कुल कच्चे हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी दाल को पूरे तरीके से, ये देखिए हमारे चावल पककर तैयार हो गए। कुकर में बनाना भी कितना आसान और इजी और जल्द से जल्द हो जाता है, बिल्कुल झटपट, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो बच्चे आजकल नए नए पकाना सीख रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि नहीं कुकर में चावल नरम हो जाते हैं या कुछ। देखिए अभी हम इसमें सजाएंगे टमाटर, दाल के ऊपर पीली पीली दाल, लाल लाल टमाटर। टमाटर तो सभी को पसंद होते हैं। कीमे के मसाले पर हमने सजाए थे गोल गोल आलू, अब दाल के ऊपर हम सजा रहे हैं कटे हुए गोल गोल टमाटर। देखिए इस तरह से टोमेटो को काटिए, कुछ टमाटर हमने मसाला भूनने में भी लिए थे, इस तरह से इसको हमने सजाया है। अभी हम इसमें डालेंगे अपने बघारे हुए चावल जो कुकर में बने हैं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे ना हमने पानी निकाला है। देखिए इस तरह से हमें चावलों को मसाले पर बिछाना है, पूरी तरीके से चावलों से उस मसाले को ढक दिया है। एक किस्म की ये बिरयानी की तरह ही होता है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं जलेबी का रंग। हमारे कीमा खिचड़ी पुलाव का क्या हाल है, वाओ क्या खुशबू आ रही है। जैसे ही हमने इसका ढक्कन हटाया पूरा घर खुशबू से महक रहा है। अभी हम आपको ये सर्व करके बताते हैं कि ये किस तरह से, वाओ ये देखिए छोटे छोटे राइस, ये हो गई हमारा कीमा, कीमे का खिचड़ी पुलाव रेडी। देखिए हमने इसको इस तरह से सजाया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, हमारी दाल भी अच्छी तरह गल गई है। बिल्कुल टेस्टी और बहुत ही आसान इजी रेसिपी है, आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाए, हमें लाइक करना ना भूलें। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलते जाएगी इंडियन मास्टर शेफ चैनल पर। और आप सब भी तो मास्टर शेफ हो तो ज़रूर बनाएं और मज़ा लीजिए इस खिचड़ी कीमा खिचड़ी पुलाव का।